ग्रीन एवरी के चाहने और देखने और सुनने वालों के दो ग्रीन एवरी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रीन एवरी से ही बात कर रहा हूँ। आज हमारा यूट्यूब चैनल ग्रीन एवरी देख रहे हैं, वेलकम टू ग्रीन एवरी। आज की वीडियो का टॉपिक लुटिनो अप्लायंस पर है। लुटिनो अप्लायंस घर में कैसे बनाएं, किस किस पेयरिंग को लगा कर हम लुटिनो अप्लायंस बना सकते हैं, आज हम उसी सिलसिले में उसी पर बात करेंगे। बहुत से लोगों ने मुझे इस बात पर इसरार किया कि आप लुटिनो अप्लायंस के बारे में वीडियोस बनाएं। मैं आपको आज की वीडियो में ये बताऊंगा कि हम कम से कम पैसों में कैसे अपने घरों में लुटिनो अप्लायंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो चलो चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपने एक ग्रीन अप्लायंस का मेल लेना है और उसी के साथ लुटिनो फिशरी की फीमेल लेनी है और इन्हें आपस में पेयर अप कर दें। यहाँ एक बात मैं और ऐड करूँगा, इसमें ग्रीन अप्लायंस जो लेना है आपने वो बिल्कुल सिंपल होना चाहिए। मतलब इससे मुराद, सिंपल से मुराद कि इसमें ये किसी का स्प्लिट ना हो। मिसाल के तौर पर ग्रीन अप्लायंस स्प्लिट ब्लू ना हो और ना ही लुटिनो फिशरी किसी चीज़ की स्प्लिट हो। मतलब लुटिनो पर्सनाटा भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ लुटिनो फिशरी ही होनी चाहिए, क्योंकि लुटिनो फिशरी आपको अच्छे अप्लायंस प्रोड्यूस करके देगी। जो लुटिनो पर्सनाटा है वो आपको अच्छे अप्लायंस के चिक्स प्रोड्यूस नहीं करके दे सकती। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा से जब आप अप्लायंस में काम करें तो ख़ास तौर पर इस बात का ख्याल रखें कि हमारी जो फिशरी हो वो प्रॉपर फिशरी मार्किंग हो, प्रॉपर फिशरी मास्किंग होनी चाहिए उसकी, ताकि जो आपके चिक्स आपके पास प्रोड्यूस हों तो उनमें अप्लायंस की क्वालिटी बहुत ही आला होनी चाहिए, टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए। तो वो इसी सूरत में होगा कि अगर आपकी फिशरी प्रॉपर फिशरी मास्किंग में हो। जब हम ग्रीन अप्लायंस का मेल लेंगे, उसे लुटिनो फिशरी के साथ पेयर करेंगे, तो अब चलते हैं उनका हमारे पास रिज़ल्ट क्या आएगा, उनके पास हमारे जो चिक्स आएंगे उनमें क्या क्या एक्सपेक्टेड है। इस पेयरिंग से आपको जितने भी मेल आएंगे वो सब के सब स्प्लिट अप्लायंस आएंगे और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारी विजुअल अप्लायंस में होंगी। हमारे पास दो किस्म के बच्चे आएंगे, इनमें पहले नंबर पर आएगा मेल ग्रीन स्प्लिट अप्लायंस स्प्लिट इनो, ये हमारे पास मेल आ गया। उसके बाद जो हमारे पास फीमेल आएंगी वो आएंगी ग्रीन अप्लायंस स्प्लिट इनो, ये हमारे पास मेल्स और फीमेल्स आ गए। यहाँ एक बात मैं और ऐड करना चाहूँगा, इस पेयरिंग की एक खूबसूरती ये भी है, इस पेयरिंग से जितने भी हमारे पास मेल्स आएंगे वो सब के सब स्प्लिट अप्लायंस होंगे और जितनी भी फीमेल्स आएंगी वो सारे विजुअल अप्लायंस होंगी। तो इसमें अब सिंपल सी बात है, हमें डीएनए करवाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डीएनए से जान वैसी छूट जाएगी। ये इस पेयरिंग की खूबसूरती है। ये उन फैंसियर्स के लिए है जो हमारे भाई डीएनए का उनको करवाने का पता ही नहीं है, डीएनए कैसे कलेक्ट करते हैं सैंपल उनका, तो कैसे लेबॉरेटरीज में भेजते हैं, तो ये पेयरिंग उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। मैं डीएनए पर भी वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द बनाऊंगा, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। जी टाइम वेस्ट किए बगैर अब आगे चलते हैं। जब हम मज़ीद इनके बच्चों को आपस में ब्रीड करवाएँगे तो इनके चिक्स में क्या क्या आएँगे, चलो अब हम इनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पहला चिक आएगा वो लुटिनो अप्लायंस का आएगा, जिसके लिए हमने वर्किंग की है वो हमारे पास मेल्स या फीमेल की सूरत में लाजमी पहले क्लच में ही आ जाएगा। सेकंड नंबर पर हमारे पास चिक एक्सपेक्टेड जो है वो लुटिनो स्प्लिट अप्लायंस का है, उसके बाद ग्रीन अप्लायंस स्प्लिट इनो, ग्रीन स्प्लिट अप्लायंस स्प्लिट इनो, ग्रीन अप्लायंस ग्रीन स्प्लिट अप्लायंस, ग्रीन फिशर सिंपल, लुटिनो फिशर सिंपल। अब एक बात यहाँ और ऐड करना चाहूँगा कि ये सारे के सारे जो चिक्स हमारे पास आएंगे ये सब के सब हमें मेल्स की सूरत में भी होंगे और फीमेल्स की सूरत में भी होंगे। हम इनको डीएनए के बगैर टेस्ट नहीं कर सकते, डीएनए की करवाने की हमेशा ज़रूरत रहेगी यहाँ।
अब हम लुटिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करने में कामयाब तो हो गए हैं, लेकिन ये थोड़ी सी 2 साल की वर्किंग है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप वर्किंग करें और लुटिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करें, तो मैं आपको बताता हूँ इसका आसान हल। अगर तो आप डायरेक्ट भी लुटिनो ऑफलाइन प्रोड्यूस करना चाहते हैं, इसके लिए आपको सबसे पहले एक मेल लेना है। वो मेल क्या है, ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो का मेल लेना है, और फीमेल जो सी आपने लगानी है उसके साथ वो होनी चाहिए ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो। ये आप डायरेक्ट किसी बड़े फैंसियर से या छोटे फैंसियर से या किसी अपने दोस्त भाइयों से ख़रीद लें, तो इन्हें आप उसमें ब्रीड करवाएँ, तो लुटिनो ऑफलाइन डायरेक्ट बना लें। आप वर्किंग के चक्करों में पड़े ही ना, लेकिन मेरा काम तो यहाँ यही था ना, आपको प्रॉपर वर्किंग बताऊँ, ताकि अगर आप वर्किंग करना चाहते हैं अपने घर में तो कर सकते हैं, इतना मुश्किल नहीं। अगर आप वर्किंग नहीं करना चाहते तो ठीक है, आप डायरेक्ट ग्रीन स्प्लिट ऑफलाइन स्प्लिट इनो का मेल लें और ग्रीन ऑफलाइन स्प्लिट इनो की फीमेल लें, इनको आपस में ब्रीड करवाएँ, तो सबसे पहले आपको लुटिनो ऑफलाइन आ जाएगा। ये थी आज की लुटिनो ऑफलाइन की वर्किंग। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे ग्रीन एवरी चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अल्लाह निगहबान। Never let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret.